शिशपाल कहरवाला कालावाली विधानसभा से 2019 के अंदर पहली बार विधायक बना और मैं बेसिकली कहरवाला गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि सिरसा जिला हरियाणा में पड़ता है। बड़ा ही शानदार अनुभव, तमाम देश के हमारे जनप्रतिनिधि जो भी एमएलए एमएलसी यहाँ सभी लोगों को एक साथ बिठाने का काम किया है एनएलसी ने, तो इसलिए सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं। और अच्छा भी लगता है जब देश के विभिन्न सांस्कृतिक और जो राजनीतिक जो विचारधाराओं के अलग अलग पार्टियों के विचारधाराओं के व्यक्ति जब एक साथ बैठ के देश के बारे में देश के लोकतंत्र के बारे में समझते हैं सोचते हैं और देश कैसे आगे बढ़े उस पर जब डिस्कशन होता है तो ये देश के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे लोकतंत्र के लिए भी बेहतरीन है। देखिए मैं MIT स्कूल आपका उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, जिस प्रकार का उन्होंने आयोजन किया है उससे मुझे लगता है कि देश में जो भविष्य के अंदर जो राजनीति को आगे लेके जाए लोकतंत्र को आगे लेके जाए देश को आगे लेके जाए ऐसे बच्चे निकालने का काम करेगी, तो इसलिए मैं मेरी तरफ से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए मेरा जो क्षेत्र है उसमें पंजाब के साथ लगता है और वहाँ पे जो ड्रग्स की समस्या है वो बहुत बड़ी है। वहाँ पे ड्रग्स को एक नाम दिया जाता है चिट्टा, तो चिट्टा पंजाब में पहले जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मूवी भी आई उड़ता पंजाब उस पर बन के, तो मेरी जो असेंबली है वो बहुत उसके साथ है, तो हमारे असेंबली के अंदर भी चिट्टा बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसके अलावा जो एजुकेशन है उसकी भी बहुत कमी है वहाँ पे, क्योंकि सिरसा और वो क्षेत्र बैकवर्ड है, तो ये इस प्रकार चाहे चिट्टा की समस्या हो एजुकेशन की समस्या हो, जो हरियाणा है वो फार्मिंग स्टेट है तो वहाँ पे जो इरिगेशन की समस्या है ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं, इन पे हम भी लगे हैं और आने वाली सरकारें और ये सरकार इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इन विषयों पर। शानदार अनुभव था जब लोगों से वोट मांगना और उनके मत को लेना, यानी उनकी जो बुद्धि है मत हम उसको मानते हैं कि उनकी बुद्धि में हम सेट हैं कि नहीं, जो मेरी विचारधारा को वो किस प्रकार से लेते हैं, तो हमने जब वोट मांगे तो बड़ा एक अलग अनुभव था और लोगों ने बहुत प्यार दिया और लगता है कि जिस प्रकार का लोगों एक लोग नेताओं को देखते हैं नेता को भी उसी प्रकार से जनता के प्रति उत्तरदायी होना जरूरी है। राहुल गांधी जी बड़ा शानदार व्यक्तित्व है, देश में कैसी भी परिस्थितियां हों उनका स्वभाव बिल्कुल सस्टेन रहता है और विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी परिवार में भी बहुत ट्रेजडी होने के बावजूद भी वो देश के लिए देश के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और बड़ी गंभीरता से हर बात को सोचते हैं। जब चुनाव जीता तो वही सबसे अच्छा लगा और जिस प्रकार से जब चुनाव जीत के और सर्टिफिकेट हाथ में मिलता है और जिम्मेदारियों का हमारे ऊपर बोझ पड़ता है और जब सामने हम देखते हैं कि ये हमारे सामने समस्याएं हैं और उस पे काम करना है तो अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अनुभव यही है। युवा पीढ़ी को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि देश में बहुत से इश्यूज हैं बहुत सी समस्याएं हैं और आप लोगों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो आपका चुनाव ही
देश के निर्माण में सबसे ज़्यादा भागीदारी रखता है, तो आपका सिलेक्शन बेहतरीन होना चाहिए। उस पर आप सिर्फ कुछ बातों को लेकर ही आप अपना डिसीजन ना लें, तमाम बिंदुओं को देखकर देश हित में बेहतरीन क्या हो सकता है वही आप निर्णय लें।